हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लैनेट 369। मैं आज आपको एक और टिप देने वाली हूँ। एंड कभी कभी क्या होता है कि हमारे वर्क प्लेस पे हम जहाँ काम करते हैं, हमारा बिजनेस जो है, हमारी जो दुकान है, शॉप है, या फिर हमारा जो घर है, वहाँ पे कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ आ जाती हैं जिनकी वजह से या तो आपका काम चलना बंद हो जाएगा, या तो आपके जो रेगुलर कस्टमर थे वो आपके पास आने के बजाय कहीं और जाने लगेंगे, या फिर आपके घर में अननेसेसरी डिस्प्यूट्स और कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाना, कभी कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। तो ये कब होता है? जब घर में नेगेटिव एनर्जीज़ आके रहने लगती हैं। तो अब आपको उन नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने घर से अगर हटाना है, निकालना है, और तो उसके लिए आप क्या करें, तो उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या आपके ऑफिस में, आपके घर में सच में नेगेटिव एनर्जीज़ हैं कि ये सिर्फ आपका एक वहम है। तो हालांकि आपको सिम्टम्स दिखेंगे कि आपकी आपकी जो दुकान है वहाँ पे नुकसान हो रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, और वर्कर्स छुट्टी ले रहे हैं, या आपके घर में आपको दिखेगा कि सब बीमार पड़ रहे हैं, दवाइयाँ ही दवाइयाँ घर में आ रही हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज़ आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो अब आपको ये पता करना पहले ज़रूरी है, एक साइंटिफिक तरीके से या एक जो प्रॉपर तरीका है उससे पता करना ज़रूरी है कि क्या सच में आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या नहीं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, आप क्या करेंगे कि ये काला नमक है, सेंधा नमक, तो रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, तो आप ये एक चम्मच लेंगे एक ग्लास पानी में, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप पानी भर देंगे, इतना काफ़ी रहेगा। तो इसमें आप डालेंगे एक चम्मच सेंधा नमक, ठीक है। अभी आप देखिए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने इसमें एक चम्मच सेंधा नमक डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप कि आप इसको अच्छे से स्टिर करेंगे, घोल लेंगे इसको अच्छे से, और इसके बाद आप इस ग्लास को अपने ऑफिस में या अपने घर में किसी कोने में रख देंगे। आप ऐसे 4-5 ग्लासेस बना सकते हैं, आप अपने ऑफिस के हर कोने में एक एक ग्लास रख सकते हैं, लेकिन आपको हाइड करके रखना है, छुपा के रखना है, वो दिखना नहीं चाहिए। मतलब या तो आप टेबल के नीचे रखिए, या घर में है तो कर्टन के पीछे रखिए, कुछ इस तरीके से रखना है कि वो दिखाई ना दे। तो जब आप इसको पानी को अपने ऑफिस में, अपने घर में ग्लास को जब रखेंगे हाइड करके, फिर आपको 24 आवर्स के बाद देखना है कि उसका कलर चेंज हुआ या नहीं। जैसे अभी ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, अगर घर में नेगेटिव एनर्जीज होंगी तो ये कलर चेंज हो जाएगा 24 घंटे में। अगर लाइट येलो कलर आता है, अगर लाइट येलो कलर आपको दिखता है जब आप जाते हैं चेक करने के लिए इसको, और आप देखते हैं कि हल्का सा पीला कलर में ये कन्वर्ट हो गया है, तो उसका मतलब है कि आपके ऑफिस में, घर में नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसका मतलब है कि हल्की फुल्की नेगेटिव एनर्जीज़ हैं मतलब, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर इस पानी का कलर लाइट ग्रीन या रेड हो जाता है, उसका मतलब होगा कि कुछ सीरियस नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आपके ऑफिस में और आपके घर में आ चुकी हैं और आपके काम बिगाड़ रही हैं। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो होता है वो होता है थर्ड कलर जो आता है इसमें, और वो होता है डार्क कलर। अगर पानी एकदम काला हो जाए, डार्क हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपके घर में या ऑफिस में बहुत ही ख़तरनाक नेगेटिव एनर्जीज़ है। तो ये आपको इन कलर्स का ध्यान रखना होगा। लाइट येलो है तो आपके घर में ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं है, थोड़ा बहुत है, पर वो ज़्यादा सक्रिय नहीं है। लेकिन अगर यही पानी अगर लाइट ग्रीन और रेड हो जाता है, दैट मीन्स इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, एंड इफ़ इट बिकम्स डार्क, दैट मीन्स इट्स रियली वेरी डेंजरस। सो इन दैट केस आप क्या करेंगे? तो आपको पता चल गया कि अब नेगेटिव एनर्जीज़ घर में हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है उन नेगेटिव एनर्जीज़ को घर में से हटाने के लिए? तो फ्रेंड्स, ये जो सॉल्ट होता है, इसमें अपने आप में एक
प्रॉपर्टी होती है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को निकाल सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप सॉल्ट लेंगे, जब आप शावर लेंगे, जब आप नहाने जाएंगे, तो आप एक चम्मच सॉल्ट या एक टेबल स्पून सॉल्ट अपने नहाने के पानी में डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उस पानी से आप नहाएंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप नमक के पानी का पोछा, जिसे हम कहते हैं, घर जब आप साफ़ करवाएंगे मेड से तो उन्हें बोलिए कि आप वो नमक का पानी, पानी में थोड़ा सा एक चम्मच नमक डाल के उससे पूरे घर में सफाई करें। या अगर आपके ऑफिस में कोई मेड आती है तो उन्हें बताइए कि आप नमक डाल के तो आप क्लीन करिए। और ये बिना टोक के करना है, मतलब ये नहीं कि किसी ने टोक दिया कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो आपको किसी को बताना नहीं है। बस आपने जाकर के एक चम्मच डाल दिया या एक बार मेड को बता दिया कि भाई आपको ऐसे करके करना है, दैट्स इट, इंस्ट्रक्शंस दे दिए। तो इस तरीके से आपको सॉल्ट वाले वाटर से ही घर की सफाई या फिर ऑफिस की सफाई करनी है। ये आपका सेकंड सॉल्यूशन था। थर्ड तरीका है कि आप ये कपूर है, ठीक है, सबको मालूम है कपूर, तो कपूर को इंग्लिश में कैम्फर बोलते हैं, जो मेरे ऑडियंसेस सुन रहे हैं जिनको नहीं पता, तो आप इसको बर्न करिए घर में, ठीक है, 2 कपूर 3 कपूर डेली आप घर में बर्न करिए। इससे जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं घर में, ऑफिस में, वो अपने आप ही चली जाएंगी। तो कुल मिला के ये 3 टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और इनसे वाकई में आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। और घर में, ऑफिस में जो भी नुकसान आपका हो रहा है, घर में जो भी आपके नेगेटिव एनर्जीज की वजह से जो भी कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है, वो सब अपने आप धीरे धीरे होना बंद हो जाएगा और नेगेटिव एनर्जीज आपके घर से चली जाएंगी। लेकिन आपको ये कम से कम 1 महीना कंटिन्यू करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा ऑफिस में भी और घर में भी। और घर में और ऑफिस में जो नमक के पानी से सफाई करने वाला मैंने आपको बताया, वो तो आप रेगुलर करा सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ही एक साइंटिफिक रीज़न है कि उससे जर्म्स भी चले जाते हैं, तो वो भी एक रीज़न है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल फॉर्मेट में देखें तो उससे नकारात्मक ऊर्जा घर से चली जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप ये ज़रूर ट्राई करिए, इट्स वेरी गुड। एंड आप मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए प्लीज़। एंड डेफिनेटली मैं और ऐसे टिप्स लेकर आऊँगी जिससे कि आपको हेल्प मिले और आपकी लाइफ और अच्छी और बेटर हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।